तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला। ओम शांति आभा बहन। ओम शांति। ओम शांति सुरेश भाई जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं, हम सभी को बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऐसा मौका दिया। आभा बहन और सुरेश भाई जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में सन 2001 में आए थे तथा ज्ञान में सन 2007 से चल रहे हैं। बाबा ने आपको दो गीता पाठशाला खोलने के भी निमित्त बनाया है। लौकिक में आभा बहन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सेवारत है। सुरेश भाई जी एमसीडी में एरिया इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। आप दोनों संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं तथा यज्ञ में हर प्रकार से सहयोगी हैं। आप दोनों कर्म और योग का बहुत सुंदर संतुलन रखकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यह बताइए कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कैसे मिला। ईश्वरीय ज्ञान हम 2001 में हम गुप्त सेवाएं करते थे और गुप्त सेवाओं से हम जनकपुरी सेंटर से थोड़ा जुड़े और वहाँ सरला बहन थी और हमारे एक मनीष भाई हैं, वो यशपाल भाई के बड़े छोटे भाई हैं, वो पूरा परिवार मेरे संपर्क में आया। मैं वैसे एमसीडी में हूँ तो हम वैसे गुप्त सेवाएं करते थे तो अच्छा। वो मुझे वहाँ लेके गए तो वहाँ ले जाने के बाद फिर मेरे को अच्छा लगा तो सरला बहन कहने लगी जब आप इतनी सेवाएं करते हैं तो क्यों नहीं आप परिवार से जुड़ते, तो मैं आप कोर्स करूँ, तो मैं उनको हाँ कराया और मेरी युगल जो थी वो भी बिल्कुल सहमत थे। हम दोनों अपनी इवनिंग में क्लासेस में जाने लगे क्योंकि मॉर्निंग में तो हम व्यस्त थे। और कुछ थोड़ा वो बताएंगी आभा बहन। आप बताइए आभा बहन। हाँ, ये 2001 से 2007 तक हम गुप्त सेवाओं से ही जुड़े रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि 2007 में 18 जनवरी को बाबा का स्मृति दिवस होता है। हाँ जी। तो हमें यशपाल भाई, जैसे इन्होंने बताया उस फैमिली के बारे में, उन्होंने हमें ब्रह्मा भोजन पर यहाँ रजौरी में इन्वाइट किया। तो एक ब्रह्मा भोजन वर्ड बड़ा भारी भरकम सा लग रहा था, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये, कहाँ मतलब कैसे आ गए हैं कि मतलब हर एक तो सेंटर वर्ड, एक ब्रह्मा भोजन और ऊपर से मतलब ये कि आज ये सेवा आज वो सेवाएँ, मेरे को लगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं कहाँ जाते हैं, तो मेरे को शक हुआ। तो फिर मेरी इच्छा हुई मैं देख के आती हूँ कि ब्रह्मा भोजन में एक्चुअली है क्या। हाँ जी। किसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। यहाँ आके देखा मैंने, बहुत ही सिंपल सादा एकदम बिना लहसुन प्याज का जो खाना था, मेरे को लगा ये ब्रह्मा भोजन है। तो फिर खा के अच्छा भी लगा, जो एक दिमाग में जो विचार आते थे ना कि ब्रह्मा भोजन किए क्या करते हैं, कभी सेंटर में सेवाएं, कभी कुछ मतलब कहीं कहीं जा रहे हैं सेवाओं के लिए, हालांकि मैंने कभी इनको नहीं रोका, कभी नहीं रोका कि आज वहाँ पे ये सेंटर में ये सेवा है। तो मेरे को बड़ा माइंड में लगता था कि क्या सेंटर और ये ब्रह्मा भोजन करते रहते हैं। फिर आके मेरे को अच्छा लगा, फिर हम प्रॉपर जो है ना कोर्स में आए, सरला दीदी से हमने इकट्ठे ही कोर्स करा। तो इसलिए मेरे को डेट भी याद है। और ऐसे हम 23 मई 2007 को हमने इकट्ठा कोर्स किया। मेरी बेटी उस टाइम 7th-8th में थी और वो कुमारियों के ग्रुप में मधुबन गई थी, सरला दीदी ने भेजा था और लक्ष्मी दीदी के मतलब गाइडेंस में वो गई थी। तो फिर उसी दिन उसको स्टेशन पे छोड़ा, फिर हम दोनों ही, छोटा बेटा उस टाइम मेरा 4 साल का था, तो उसको लेके वो डेली हमारे साथ कोर्स के लिए जाता था, डेली हमारे साथ, मतलब हम ऑफिस से आए दोनों एकदम घर में 5 बजे आए, चाय वगैरह पी, चल दिए जी 6 बजे उठ के। तो बहुत टायरिंग और बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो गया था हमारा, इसलिए फिर मैं इनको बोलती रहती थी कहाँ कैसे चक्करों में फंस गए आप, छोड़ दो और अब बाबा की ब्लेसिंग समझो, कुछ भी समझो। आज हम दोनों उस बाबा की ब्लेसिंग को संभाल रहे हैं, चल रहे हैं, या बाबा ने निमित्त बना दिया है, इतना निमित्त बना दिया है कि
अब इतने पक्के जुड़ गए हैं कि दिल में क्वेश्चन आता है कि जब ऐसे मुरली में एक दो पॉइंट आते हैं ना कि आश्चर्यवंत सुनंती कथंती और भागंती, चैलेंजिंग वो ही है कि लोग क्यों इतने ध्यान से सुनते हैं और फिर क्यों इसको इतना फॉलो करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। सही बात, मेरे को ये चीज़ माइंड में बहुत लगती है कि ऐसा क्या है। मैं डेली इस चीज़ का आंसर ढूंढती हूँ लेकिन मिला नहीं कभी आज तक, और हम 20 साल से हो गए हम मतलब ज्ञान में चलते हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आप दोनों का। वो कहते हैं ना कि जो बाबा के पक्के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अंत तक बाबा के साथ रहते हैं। हाँ, अब यही चैलेंज है हमारे साथ। बिल्कुल, तो मैं अब ये जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आप दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं तथा आप दोनों का प्रोफेशन भी काफ़ी चैलेंजिंग है, और उस माहौल में रहकर बाबा को याद करना और अच्छा पुरुषार्थ करना आप कैसे, किस प्रकार आप मैनेज करते हैं? मैं जब सुबह मॉर्निंग में निकलता हूँ ऑफिस के लिए अर्ली आवर्स में, तो मैं एक बार ही अपना, हमारे एक चौखंडी में सेंटर है, पहले सुबह तो हम जाते ही हैं और साथ में बाबा को अपना साथी बनाता हूँ। हाँ जी। और उनको अपने साथ रखता हूँ, मेरे जितने भी मैं कार्य करता हूँ सबसे पहले बाबा को रखता हूँ सामने, और वो कार्य अपने आप कैसे हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। बिल्कुल, मेरे लिए और आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? मेरे लिए और भी चैलेंजिंग है क्योंकि देखो, एक सुबह उठना, फिर अमृत वेला करके फिर किचन में, मैंने अपने बाबा के याद करने के रूटीन को और इस ज्ञान को फॉलो करने को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। 8 घंटे बाबा के लिए, 8 घंटे की मेरी सर्विस है, और 8 घंटे मेरा घर परिवार फैमिली के लिए, जिसमें मुझे खाना, मतलब बच्चों के लिए खाना भी बनाना है और अपने लिए भी वक्त निकालना है, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए भी मुझे टाइम निकालना है। फिर 2 सेंटर्स के निमित्त हैं गीता पाठशाला के, तो उनके लिए भी मुझे टाइम देना है। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और एक्चुअली क्या है, सुबह उठते ही मेरा 6 से 8 का योग रहता है। अच्छा। मैं किचन में खाना बनाते हुए बाबा की याद में बनाती हूँ, लंच वगैरह नाश्ता पूरा पैक करके इनको भी देती हूँ, बच्चों को भी। उसके बाद मैं जैसे मेट्रो में बैठती हूँ मेरे कान में ईयरफोन लग जाते हैं, मेरी मुरली शुरू हो जाती है बाबा की, जब तक मेरा ऑफिस का टाइम होता है। अगर मैं ड्राइव करके जा रही हूँ तो मैं, जितनी भी रेड लाइट है मेरे लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल है। बहुत बढ़िया। और जितना भी मतलब ट्रैफिक, जैसे ही ग्रीन लाइट हो गई थैंक यू बाबा, अगर लेट हो रही हूँ मैं तो मैं बिल्कुल टाइम की परवाह नहीं करती, मैं घड़ी की तरफ देखती भी नहीं हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अगर लेट तो लेट ही है, चाहे वो 1 मिनट लेट है चाहे वो आधा घंटा लेट है। सही है ना? बात है, बिल्कुल। इसलिए मैं कभी भी इस बात का स्ट्रेस नहीं लेती कि मैं लेट हो रही हूँ, तो मेरे को बहुत तेज़ ट्रैफिक में भी बहुत तेज़ ड्राइव करना या कुछ भी नहीं करती मैं। मेरा एक ट्रैफिक कंट्रोल मेरा रेड लाइट पे है, मेरे रूट पे 14 रेड लाइट आती है, मैं सब पे ट्रैफिक कंट्रोल है। अच्छा। मतलब वो रेड लाइट को मैं एज ए ट्रैफिक कंट्रोल ले रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद जाके ऑफिस में जाती हूँ तो मैंने सबका टाइम फिक्स किया हुआ है कि 10 मिनट आते ही नो गॉसिप, गॉसिप फ्री जोन एरिया, कि कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। और उनको सबको मैं एक लाइक मेडिटेशन है कि सब एक स्पिरिचुअल एक सॉन्ग चला दिया, और उसमें सबको हम बोलते हैं कि अब सब साइलेंस हो जाओ। उसके बाद हम अपने अपने रूटीन पे शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल का तो वैसे ही इतना हैक्टिक होता है, तो अपने आप को पहले ही कूल करके चलते हैं। उसके बाद लंच टाइम में सेंटर में, वहाँ पर अपने हॉस्टल में, हमारा नर्सेज हॉस्टल है उसमें हमने एक रूम फिक्स किया हुआ है, वहाँ पे हमारी मुरली क्लास चलती है। हम जितने भी हॉस्पिटल के वर्किंग है, जो फॉलोअर्स है ना, इनफैक्ट जो नहीं भी फॉलोअर्स है वो सब भी आते हैं मुरली सुनने, एटलीस्ट उनको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, उनको सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह आए, अपना टाइम सफल करें। फिर लौटते हुए 3 to जब मेट्रो में होती है 4:30 to 5:30, तो वो फिर से मेरे कान में ईयरफोन लग जाता है, या बाबा के सॉन्ग या मुरली के रिवाइज पॉइंट या ऐसे करके आते हैं। फिर शाम को 7 से 8 के बीच में फिर हम अपने चौखंडी वाले सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे हमारी मुरली चलती है। एक वो हो गया, फिर सोने से पहले 1 घंटा, और अभी जो आपने गाना बजाया था वो हमारा गाना होता है मेडिटेशन का घर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है।
तो अब मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप यू बोथ आर कोरोना वॉरियर्स, यस, तो आप अपने आप हम सभी को ये बताइए कि आप दोनों का कैसा रहा अनुभव उस समय का, मतलब काफ़ी हेक्टिक टाइम चल रहा था, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? उस टाइम में मैं जो MCG से रिलेटेड जो सर्विसेज थी, पब्लिक डीटिंग ज़्यादा थी, तो उसमें मैं बाबा को साथ रख के शुभ भावना से कार्य करता, और जैसे हमारी टीम होती थी और लोगों के मन से एक तरह से भय निकालना और जो जो मेरी शुभ भावनाएं होती थी उस तरह से मैं उनको हीलिंग करता था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ जी, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया है, वहाँ पे तो पेशेंट्स ही आ रहे हैं जो कि फिजिकली भी और मेंटली भी, और आजकल इतने स्ट्रेस लेवल में जो है, तो उनको एक शांति देना, एटलीस्ट उनको सुनना। स्ट्रेस का कारण क्या है कि कोई मेरे को नहीं सुनता, तो वो चीज़ है, तो हम उनको सुनते हैं, तो उनका उनको एक सही गाइडेंस चाहिए कि मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है, मेरे को डाइट कैसी लेनी चाहिए। सारे फील्ड जितने भी क्वेरीज आती हैं वो सब हमसे पूछते हैं, उनके इवन सैंपल टेस्टिंग तक। आप सोचो, सैंपल टेस्टिंग जब हो रही है तो कितना अंदर से, किसी का भी सैंपल टेस्ट होता है वो अंदर से नर्वस होता है, उसको पहले कूल करके उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इससे हम टेंशन फ्री रहोगे, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, जांच बहुत ज़रूरी होती, खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना बहुत, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब एक तरह से उनको मानसिक रूप से शांति देना, वो दिमाग में रहता है कि बाबा ने इस, उस टाइम सिर्फ वो पेशेंट नहीं दिखता, उसके उसकी आत्मा दिखती है। मतलब लाइक कि हमें इस ज्ञान में रहते हुए ऐसा फीलिंग आती है कि मैं पीसफुल सोल हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, आई एम पीसफुल सोल, वो ही लगा हुआ है, कभी चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे को पेशेंट्स को देखते हुए, उन्हें गाइड करते हुए हमेशा ये रहता है कि ये भी एक आत्मा है जो पता नहीं कौन से जन्म की है, जो सिर्फ मेरे ही पास आई है या मुझे ही इसको बताना है। तो मेरा ये रहता है। काफ़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे लोगों को हील करना, पॉजिटिव वाइब्स ही ना, पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम, बहुत ज़रूरी था। बहुत बढ़िया। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बाबा से आपका विशेष क्या संबंध है और आप बाबा को किस प्रकार याद करते हैं? भाई जी, बाबा से मैं अपना संबंध एक बच्चे की तरह रखता हूँ, और बीच बीच में वो गाइड भी करते हैं, और इस तरह से हम मतलब जो भी अपनी सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें हम बच्चों, उसमें बाबा को इन्वॉल्व रखते हैं। और जो मैं ये सोचता हूँ कि जो हम एक कोई भी काम मैं ले लेता हूँ, चाहे ईश्वरीय सेवाओं से जुड़ा हो चाहे कोई किसी भी तरह का, तो उसमें बाबा मुझे बहुत सहयोग देते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि काम हुआ पड़ा है, बस उसका क्रेडिट बाबा ने मुझे देने के लिए वो काम मेरे को दिया है। करना तो नहीं, करण करावन हार तो वही है। बिल्कुल, बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। आप कुछ ऐड ऑन करिए, किस प्रकार आप बाबा को याद करते हैं? ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मतलब हम दोनों की सेम ही थिंकिंग है कि हमने बाबा को बच्चे के रूप में माना हुआ है। अभी समझ लो हम 2 साल, हमारे लौकिक में 2 बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि हमने बाबा को भी जो है ना 2 बच्चों के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि उसके हम निमित्त बने हुए हैं। एक बच्चा हमारा 15 साल का हो गया है, एक हमारा बच्चा 3 साल का हुआ है, जो जिनको बाबा को हमने बना रखा है। हमारे लौकिक बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्टिव हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन्हें हमारे किसी भी प्रोग्राम से, इवन वो ये भी नहीं सोचते कि संडे छुट्टी है, मम्मी आज तो मत जाओ, आज तो हमारे पास बैठो। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले बाबा है फिर तुम हो। अगर बाबा ठीक है, हमने बाबा को अपना वारिस बना रखा है। अच्छा। हमने जो लौकिक हमारा जो भी कुछ है, हमारा तन मन धन इक्वल है हमारे लौकिक बच्चों के लिए भी और बाबा के लिए भी, तो हमारे ये ऐसे संबंध है। बाकी एक दोस्त के रूप में, एक कुछ जैसे कुछ फैमिली के कुछ डिस्टरबेंस है या मतलब कुछ भी है, तो हम बाबा को आगे रखते हैं हमेशा। ऑफिशियल है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। हाँ जी। कि बाबा आज ये इंस्पेक्शन है, ये ऑडिटिंग है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ही बैठना और ये आज मेरा काम सही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हम लोग फेस करते हैं।
बहुत अच्छा हुआ बहन, बट आपने एक चीज़ बोला कि 3 इयर्स का आपका एक बच्चा है, तो वो कैसे है, थोड़ा आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ जी, 3 इयर्स का बच्चा कहने का मतलब ये है कि मोहन गार्डन सेंटर है, उसको 3 साल हुए हैं। अच्छा। तो वो हमारा छोटा बच्चा है ना, और ये हमारा 15 साल का बच्चा है। तो हम दोनों के जन्मदिन ना बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बेचारे वो छोटा 3 साल का जो बच्चा है, उसके लिए हम अभी तक टाइम नहीं निकाल पाए हैं। और 15 आपने बताया कि 15 इयर्स का एक बच्चा है, तो वो कौन हुआ? वो हमारा चौखंडी वाला सेंटर है। अच्छा। तो हम बहुत धूमधाम से, मतलब हमें रहता है कि जैसे मैं अपने लौकिक बच्चों का जन्मदिन, मैं लौकिक बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाती हूँ, वो अपने जन्मदिन खुद मनाते हैं, है ना। लेकिन बाबा है तो हमने 15 साल का बच्चा बना रखा है, तो उनका जन्मदिन हम पूरे दिल से करते हैं। और एक चीज़ और, मैंने घर में बना रखी है 4 गुल्लक, गुल्लक कह लो, पिगी बैंक कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें हमारे इक्वल है 4 शेयर, कि हर मंथली सैलरी में से 10% 5 इनका 5 मेरा हमारे गुल्लक में जमा होता है। जैसे शिवरात्रि आती है, हमारे दिल में रहता है कि नहीं, ये सब लगाना है, हमें इसमें बचाना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा रहता है, तो हम बहुत दिल से, चाव से, बहुत खुश हो के बहुत सबका वेलकम करते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि इस साल ऐसा किया है, अगले साल और बेटर करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें, बस यही चलता रहता है कंपटीशन, ये मेरे से ज़्यादा और मैं इनसे ज़्यादा। मतलब दोनों का हमारा एक आपस में ही कंपटीशन है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा है। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपकी ब्राह्मण परिवार के प्रति क्या भावनाएं हैं, और आप सभी को क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे अपने ईश्वरीय कार्य के लिए, अपने ईश्वरीय परिवार के लिए निमित्त बनाया। मैं हर कार्य को करने से पहले बाबा को अपने सामने रखता हूँ, और मुझे इतना अच्छा सुंदर परिवार ईश्वरीय दिया जो मेरे गुणों को निखार के बाहर लेके आया। वैसे मैं हर तरह से गुप्त रहना चाहता हूँ, लेकिन बाबा जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा, मैं सामने आता हूँ और उसके कार्यों में सहयोग देता हूँ। और ये ईश्वरीय परिवार मुझे अपने परिवार से भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ ईश्वरीय परिवार को, कि सब अपनी जो है बाबा से बात करें, बाबा को अपना अपने दुख सुख सुनाएं, उसकी सुने, इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। और बाबा मेरे इस कार्य में बहुत सहयोगी बनता है, और मेरे को ये सारे कार्य ऐसे लगते हैं हुए पड़े हैं, बस बाबा मुझे क्रेडिट देना चाहता है, वो उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और शुरू से मैं जो रुक्मणी दादी है और बड़ी बड़ी दादियों के संपर्क में भी रहा, रुक्मणी दादी ने मुझे मेरे फील्ड से संबंधित जो कार्य मुझे बताए, उनके वो बेझिझक होकर मुझे बता देती थी, और मैं सोचता था ये कार्य तो हुआ पड़ा है, बस मुझे तो सिर्फ क्रेडिट मिलना है, और मैं वो कार्य करता था। ऐसी मेरी शक्ति दीदी हैं, वो जो भी मुझे जैसे भी पर बहुत प्यार देती हैं, स्नेह देती हैं, और इस बड़े सेंटर से जिसमें बाबा खुद बहुत पहले थे रजौरी गार्डन सेंटर में, उस सेंटर से मैं जुड़ा रहा, और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है इन चीज़ों की। बस मैं यही है, जो मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, मैं उनको बाबा का मैक्सिमम मैसेज दे दूं कि बाबा आए हुए हैं और अपना वरदान लुटा रहे हैं, और आप लोग आगे से आगे आओ। थैंक यू। ओम शांति। शक्ति दीदी और सरला दीदी, इन सब का बहुत बहुत थैंक्स है, और हमारे लिए टाइम निकाला, इवन हमारी लाइफ बहुत ही बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, हमारे ज्ञान में चलते हुए प्लस जॉब में रहते हुए, उसके लिए भी हमने जो है बहुत ही आपको बताया, शेयर किया इस सीज़न 1, 2, 3, और नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग जो सीज़न 4 है, इसके लिए भी हम बहुत ही ब्लेस करते हैं, बहुत ही थैंक्स करते हैं, बहुत ही अच्छा है, अनुभव शेयर होते हैं।
काफ़ी भाई बहनों से हमने अनुभव सुने, जाना, हर एक को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट्स भी किए। अच्छा है ये फैमिली, इसी तरह हमारी जो डिजिटल फैमिली है या बाबा की फैमिली है, बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत थैंकफुल है और अच्छा लगा एक्चुअली, जैसा इन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट रहता है कि बाबा को हम गुप्त रूप से शुरू से ही सेवाधारी रहे हैं, तो अभी भी ऐसा हमारा कुछ था नहीं, पर एनीवे जब बाबा हमारे लिए इतना कर रहा है तो हमें भी इस बाबा की फैमिली के लिए बहुत ही सपोर्ट है हमारा, हमेशा हम साथ हैं, दिल से, दुआओं से और खुशियों से सबके लिए एक ही मैसेज है, सिर्फ पैसा ही नहीं, एक दुआओं का भी बैंक खोलो, अपना अकाउंट सिर्फ पैसे से मत तोलो, उसमें दुआएं भी भरो, क्योंकि आजकल के इस टाइम में जबकि इतना पूरा वर्ल्ड वाइड एक पैंडमिक कोरोना चल रहा है, तो इसमें आप सबको दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सब ने देखा है किसी का पैसा काम नहीं आया, किसी की टाइम काम नहीं आया, किसी का स्टेटस काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया, सिर्फ ब्लेसिंग ही काम आई है। लोगों ने कैसे आइसोलेशन में रहना सीखा है ये लोग वही जानते हैं जिन्होंने फेस किया है। जिसको खाना नहीं बनाना आता उसने खाना भी बनाया है, अपने ही हाथ का खाया है। तो बाबा ने ये ट्रेनिंग हमें कोरोना काल में बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि हमें आइसोलेशन में, मतलब बाबा कहते हैं कि आइसोलेट रहो, जो है अपना शुद्ध खान पान शुद्ध रखो, तो वो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखा भी है, देखा भी है, प्रैक्टिकल उस चीज़ को हमने देखा है कि लोगों को कैसे घरों में खाना सप्लाई हो रहा था और कैसे, मतलब वो खुद से ही बनाया। जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत सारे मास्टर भी बन गए कोरोना काल में। तो हमारे लाइफ का यही थीम है, हम अभी तक 20 सालों से, इनफैक्ट मैं कहूँगी 20 साल, अभी गुप्त का तो चैप्टर ही ख़त्म हो चुका है, अब तो बाबा भी कहते हैं सिर्फ उड़ने का टाइम है, अभी सिर्फ आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी है एग्ज़ाम से पहले, जो हमें वक्त मिलता है कि रिविज़न का, कि हमें मेन पॉइंट्स ही रिवाइज करने हैं। तो सबके लिए यही है कि वो लिस्ट बना के रख लो, जैसे एग्ज़ाम से पहले हम चेक करते हैं रोल नंबर है, पेन है, पेंसिल है, ये चीज़ है, तो वो चीज़ आप लोग तैयारी करके रख लो कि मेरा पोता मेल कैसा है, मेरा चार्ट कैसा मैंने बनाया है, मेरे अमृत वेला है, मुरली है, मधुबन है। दादी जानकी की 3 बातें मुझे हमेशा याद रहती है कि बाबा, मुरली और मधुबन, बस 3 ही शब्दों में ये हमारा ज्ञान है, जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। बहुत ही अच्छी फैमिली है, सबका दिल से शुक्रिया। हमेशा हमारा टारगेट यही रहता है, हमेशा हर साल शिवरात्रि पे आप सबको एडवांस में इनविटेशन, हमेशा एक स्टेप अप। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टीम, थैंक यू सो मच, ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आबा बहन और सुरेश भाई जी आपका, आप दोनों अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए और सभी, हम सभी को अपने अनुभव से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया बाबा, जो आपने हमें इतना मौका दिया और ईश्वरीय परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये एक हमारे लिए, हमने, हमारा लक्ष्य गुप्त रहने का था, पर कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हो कि सीज़न 3, आई होप कि सीज़न 4 भी बहुत अच्छा जाए। और शक्ति दीदी का स्पेशल थैंक्स, मेहता भाई साहब का, और आप लोगों की टीम बहुत ही वंडरफुल जॉब कर रही है, कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत, गॉड ब्लेस, बाबा ब्लेस यू ऑलवेज, है ना। और आपका सीज़न 4 भी बहुत अच्छा जाए, हमारे दिल से यही दुआ है। एक ब्राह्मण परिवार के लिए जिनका हमेशा हमें बहुत सपोर्टिव मिला, ये हमने नोटिस किया हुआ है, शक्ति दीदी को फ्रॉम वेरी बिगनिंग उनको हमने देखा है, तो बहुत सपोर्टिव है वो, और बाकी सब भी है, मेहता भाई साहब भी हैं, और इतने अनुभव हमने सुन लिए आपके सीज़न 1, 2, 3, और उन सबका इंटरव्यू जब हमने सुना है तो बहुत ही कुछ ना कुछ एक अलग से अनुभव और कुछ टिप्स शेयर करी है जो हमें बहुत अच्छी लगी है। तो आप सभी ने सुना कि कैसे हमारी आभा बहन और सुरेश भाई जी ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, और हर कार्य में
कोविड के टाइम पे भी और बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बाबा को यूज़ किया। आई एम श्योर आप सभी ने इनके अनुभव से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।